एज वी हैव बिन टॉकिन अबाउट द एनुल ग्रोथ रेट और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू टू नो दी एनुलल ग्रोथ रेट क्योंकि हमें मालूम करनी है एनुलल ग्रोथ रेट डिफरेंट कंट्रीज़ की और इसी की इसी की बेस पर हम प्रोजेक्ट कर सकेंगे हम माजी में एनुलल ग्रोथ को देखेंगे हम करंट एनुअल ग्रोथ को देखेंगे और हम प्रोजेक्ट कर, कर सकेंगे कि हम प्रडिक्ट कर सकेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है कितने लोग एडअप होंगे उसके साथ साथ पैरल जो साइमल्टेनियसली हम चीज़ों को देखेंगे रिसोर्सेस देख सकते हैं स्कॉर्ट ऑफ रिसोर्सिस भी हमारे सामने जो है वो नजर आएगी सो द एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन अब एनुअल ग्रोथ रेट क्या है अगर हम इसको डिफाइन करें अभी हमने ग्रोथ रेट को देखा द एनुअल रेट एनुअल ग्रोथ रेट है इट इज अनुअल सालाना एवरेज रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर अ गिवन कंट्री टेरिटरी और अ ज्योग्राफिक एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड किसी एक कंट्री के उसकी टेरिटरी के अंदर एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर जो एक एनुअल रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन साइज को हम देखेंगे उसे हम एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं ये एक्सप्रेस करती है वॉट एक्सप्रेस इट एक्सप्रेस द रेशियो बिटवीन द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज एंड द टोटल पॉपुलेशन फॉर डेट ईयर एंड इट इज यूली मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अब तीन चीजें इस चीज़ के अंदर सामने आई ये एक्सप्रेस करेगी रेशो एक रेशोन दी बिटवीन द एनअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन नंबर वन एंड इट विल एक्सप्रेस दोटल पॉपुलेशन फॉर डेट ईयर उस एक साल के अंदर कितनी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज हुआ और ये हम यूली मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड के फिगर के साथ ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये अमाउंट टू अमाउंट टू अराउंड ऐटी थ्री मिलियन एनअली और वन पॉइंट वन पर ईयर अगर हम ग्लोबल ह्यूमन पॉपोलेशन की बात करें तो वन पॉइंट वन पर ईयर के हिसाब से बढ़ी है और एटी थ्री मिलियन लोग जो है वो इसके अंदर इजाफा जो है वह हर साल हो रहा है विच इज़ क्विट ह्यूज द ग्लोबल पॉपोलेशन इट हैज़ ग्रोन फ्राम वन बिलियन वही बात माजी में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और जो भी हमारे हालात थे ह्यूमन बींग्स के तो एक बिलियन हम अट्ठारहवीं सदी में थे और आज हम तकरीबन देख लीजिए कि आप 200 सौ सवा दो सौ साल के अंदर हमारी आबादी जो है बाई 2020 हम 7.8 बिलियन पे है जो पहुंच चुके हैं इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कीप ग्रोइंग और ये एक्सपेक्टेशन है कि ये ग्रो करती रहेगी दुनिया की पॉपुलेशन एंड एस्टिमेट्स है पुट द टोटल पॉपुलेशन बाई 8.6 बिलियन बाय मिड 2030 अब देखें क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंडर डिवेलप डिवेलपिंग रीजनस बहुत बड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे दुनिया की आबादी को बढ़ाने में तो 8.6 बिलियन तो हम टच कर लेंगे 2030 तक 9.8 बिलियन जो है वो हम बाय 2050 में कर लेंगे अगर ये और ये हमें कैसे पता चलता है ये हमें पता चलता है हमारे उन ट्रेंड्स के साथ जब जब हम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को देखेंगे और 11.2 बिलियन जो है हम बाई ट्वेंटी वन हंड्रेड दैट इज समथिंग वेरी ह्यूज दैट इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन टूडे प्लान साइज अब जब एन पॉपुलेशन साइजाइन करेंगे देखेंगे आप किसी चीज का डिफरेंस देखेंगे हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन बर्थ लेस डेथ एंड द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट लेस इमिग्रेंट इन इमीग्रेंट आपको पता है जो दूसरे मुल्कों में लोग जाते हैं सम टाइम पर्मनल सेटलमेंट के लिए सम टाइम पार्शल सेटलमेंट के लिए तो ये सारी चीज़ें जब बर्ड्स और लेस को देखेंगे इमिग्रेंट्स और लेस एमिग्रेंट्स को देखेंगे किसी भी कंट्री के अंदर तो हमारे पास एनअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज जो है वो बड़ा वाजिया तौर पर सामने आ जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो इट इज जनरली एट बोथ नेशनल सब नेशनल रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल इंडिकेटर फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफकोर्स How can we make any decision? How a planning can be made? How a policy can be made for the people? Because there is a state and people live in the, uh, that particular state, and state has to make responsibility for its people. But how can a state make responsibility for its people if it doesn't know about how many people are living in that, uh, uh, you know, a state? Or कितने expected add ho sakte hai. एंड अकॉर्डिंग टू डैट हम अपनी पॉलिसी प्लानिंग बनाते हैं देखिए आपके घर के अंदर अगर दस लोग मेहमान आते हैं एंड वी आर सपोज टू कुक फूड फॉर दैम तो हम उसी हिसाब से उनके लिए कुक फूड करते हैं बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग टेन पीपल और हम कभी भी आ, जो जो खाना दस लोगों को मिलाएँगे अगर हम एक्सपेक्ट करें कि पच्चीस लोग आ रहे हैं तो देर विल भी हेलो डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द प्रिपेशन फॉर द पीपल हु आर जो कि दस थे और अब जो पच्चीस हो गए तो ये थे एक सिंपल एग्जाम्पल्स है डेट इज वाई इस तरह के ग्रोथ रेट्स को बड़ी तेजी के साथ जो है और बड़े कॉन्सेंट्रेशन एक, एक, के साथ हर कंट्री जो है वो देखती है अब थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल जबान में अगर कर बात करें तो पॉपुलेशन डाटा जो है जो कि यूनाइटेड नेशन लिंक टू मिड ईयर एस्टिमेट वैल्यू होती है ये ऑप्टेन की जाती है लीनियर इंटरपोलेटिंग फ्रॉम दस्पॉन्डिंग यूनाइटेड स्टेट फर्टिलिटी मीडियम वेरियंट से और एवरी फाइव ईयर्स पॉपुलेशन शंस के साथ यूनिट ऑफ द मैमेंट ऑफ एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ इज इज इन परसेंटाइल जो कि मैंने आपको बताया एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड अगर 2019 की बात की जाए इट वॉज 1.1। पॉइंट वन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द हाई इनकम कंट्रीज़ पॉइंट 0.4 इन 2019। थाउजेंड नाइनटीन एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ द मिडल इनकम जो मिडिल इनकम कंट्रीज है जो ना डेवेलप में आती हैं ना अंडर में दरमियान में आती हैं Uh, that was 1.2 in 2.9 as well the World Bank resource 2020 and annual growth rate of low income countries was 2.6 in the 2019. If we talk about the um, the uh, top advanced country of the world like USA the annual population growth rate of USA is 0 0.5 percent in 2.19 and if we talk about Pakistan the annual growth rate Pakistan ka jo 2.0 raha in two thousand nineteen